हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने इस ड्रेस को साड़ी से किस तरह बनाया है ये वीडियो तो आप देख ही चुके होंगे, और यदि आपने इस ड्रेस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी पुरानी साड़ी का रीयूज बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और गाइस, आज मैं आपको इस ड्रेस में ये जो फ्लावर लगा है इसको बनाना बताऊंगी। गाइज, ये फ्लावर मैंने इस ड्रेस से जो बचा हुआ कपड़ा था उससे बनाया है, और ये बहुत ही इजी है और ये काफी सुंदर दिख रहा है। और इस फ्लावर को मैंने किस तरह बनाया है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर लंबी और 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और अब इसे एक बार फोल्ड करके किनारे से सिलाई लगा लेना है। अब इस पट्टी के एक कोने को सिल देना है और दूसरे साइड खुला रखना है, तो बंद साइड से किसी नुकीली से चीज से इसे सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पेंचकस का यूज कर रही हूँ, इसके अलावा पेन या पेंसिल से भी इसे सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे इसमें अंदर डालते जाना है, और जब ये दूसरे साइड से बाहर पट्टी निकलेगी तो ये पट्टी सीधी हो जाएगी। तो इस तरह से ये पट्टी सीधी हो गई है। अब हम खुले साइड से पेंचकस को बाहर निकाल लेंगे। अब जिस तरफ से सिलाई की है उस तरफ से हमें सुई धागे से लंबे लंबे टांके डाल लेना है। और दोस्तों, सीधा करने के बाद मैंने इस पर प्रेस नहीं किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्लफी लुक मुझे लेना है, तो इस वजह से मैंने इस पर प्रेस नहीं किया है। और यदि आप इसको प्रेस करते हैं तो ये फ्लैट हो जाएगी और फिर इसका थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा, इस वजह से मैं इस पर प्रेस नहीं कर रही हूँ। अब पूरी पट्टी में इस तरह से लंबे लंबे टांके डाल लेने के बाद हमें धागे को धीरे धीरे से खींच लेना है। अब धागा खींचते हुए इसको धीरे धीरे से सेट करना है, और फिर जो ये फ्रिल बन रही है उसको एक तरफ करते हुए इस तरह से राउंड में शेप दे देना है, और फिर दोनों किनारों को मोड़ देना है। एक तरफ से तो ये पहले ही मुड़ा था, और दूसरी तरफ जहाँ से खुला था वहां से भी थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। और फिर ज्वाइंट कर लेने के बाद ये जो फ्रिल इसमें बन रही है इसमें भी थोड़े थोड़े टांके लगा देना है, ताकि ये जो धागा हमने खींचा था वो सिंगल धागा था, तो इसको थोड़ा सा हम डबल कर लेंगे ताकि ये टूटे ना। और इस फ्लावर को आप जैसा भी लुक देना चाहते हैं उस तरह से ये फ्रिल सेट करके आप छोटा छोटा सा टांका इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि वॉश होने पर भी ये फ्लावर खराब नहीं होगा। तो मैंने अब यहाँ पे इस फ्लावर को सेट कर लिया है, और ये जो बीच का गैप है इसे भी हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से सेट करके भी इसको ड्रेस में लगा सकते हैं। तो पीछे साइड से कुछ भी टांके वगैरह डाल के या फिर सेफ्टी पिन लगाकर इसे ड्रेस में अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक लिया है, और थोड़ा सा कॉटन लिया है, और इसको गोल करके इस तरह से पोटली बना के इसमें धागा लपेट लिया है। अब इसे अच्छी तरह से सेट करना है, और जो फ्लावर के बीच में ये होल है इसमें से इसको निकालना है। तो इस तरह से मैंने ये इसका जो गोल गोल भाग था वो मैंने आगे की साइड निकाल दिया है, और ये जो कपड़े का मार्जिन है वो पीछे साइड कर दिया है। अब इसे छोटा सा टाका डालते हुए सिल लेना है। तो यहाँ पे ये आगे साइड से पोटली जहाँ जहाँ पे फ्लावर से टच हो रही है वहां पे मैं छोटे छोटे से टाके डाल रही हूँ, और अच्छी तरह से ज्वाइंट कर लेने के बाद ये जो पीछे वाला मार्जिन है इसे थोड़ा सा कट कर देना है। अब आगे का जो गोल भाग है उसे किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये छोटे छोटे से बीट्स हैं और ये स्टोन है, तो ये भी इसमें लगा सकते हैं, या फिर ये छोटे बड़े मोती हैं ये भी मैं इसमें लगा सकती हूँ। तो यहाँ अभी मैं इसे ही लगा रही हूँ। तो ऊपर साइड से ये सुई धागा इस तरह से निकालना है, और फिर सुई वापस से दूसरी जगह से निकालते हुए ये मोती टक कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, और धागे को अच्छी तरह से इसको खींचते हुए करना है ताकि ये लूज ना रहे। और फिर पूरे मोती टक हो जाने के बाद ये पीछे साइड का जो मार्जिन है इसे भी अच्छी तरह से सेट करते हुए सिल देना है, जिससे कि ये फ्लावर अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और ये खराब नहीं होगा। अब इतना कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे कैनवास का टुकड़ा लिया है और इस तरह से ये राउंड में कट कर लिया है, और अब मैं इसे फैब्रिक ग्लू से चिपका दूंगी। तो इससे चाहे तो सिल भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक ग्लू इसमें लगाया है और इसे चिपका दिया है। अब थोड़ी देर तक इसे छोड़ देना है, और ये सूख जाने के बाद इसे ड्रेस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है, और अब चाहे तो इसे डायरेक्ट टाके लगाकर भी ड्रेस में अटैच कर सकते हैं।
लेकिन मैं इसे सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ ताकि कभी इसको निकालना हुआ तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें पीछे साइड से सेफ्टी पिन लगा रही हूँ और इसी सेफ्टी पिन से ड्रेस में इसको अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से जहाँ पे मैंने ये हुक लगाया है वहीं पर मैंने इसको अटैच कर दिया है। और आप चाहें तो इस तरह के फ्लावर बनाकर कहीं भी इनको अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।